नमस्ते, आदाब, सलाम दोस्तों, नजर इंडिया न्यूज में आप सबका स्वागत है। लेकिन कोई हमारे को नहीं पहुंचा। लास्ट में फिर मैं हम लोग को इधर जब आया, मैं जब कोई नहीं आया तो मैं आया तो देखा तो इसको मार छेद के जो है बुरी तरीके से, और मेरी बीवी बच्चे सब जो है परेशान थे। लड़की उड़की जितनी भी थी, दोनों तीनों जो भी थी, चारों सब रोड पे ही परेशान थी। इनको सबको मार छेद के इनको जो है दाबाद को हमारे मार के गाड़ी में डाल रहे थे। वो ख़त्म करने के लिए कितनी बार अपने मुंह से बोला, बंदूक मार देंगे, गोली मार देंगे, समझे। अगर काश मैं अगर नहीं आता, मैंने दो पत्थर उठाए और गाड़ी को जीप को रोका, नहीं रुका तो मैं नीचे लेट गया उसी तरीके से, रात वही पोजिशन से, और अभी भी वही मेरी पोजिशन है। मैं चल कोई कपड़ा चेंज भी नहीं किया अभी तक। अगर नहीं होता, अगर मैं किसी वजह से अगर दो चार मिनट अगर और लेट हो जाता तो सर इसको अगर ख़त्म कर देते तो उसके बाद क्या होता है कानून। अगर आखिर कानून नाम की भी कोई चीज़, अगर कानून की हिफाजत वो लेने जाते हैं मदद, तो कानून भी हमारे हिफाजत, और हमको उल्टा सीधा बोल के चुप चुप क्या है आखिर, ये कोई इंसाफ की बात कहने के लायक नहीं। हमारे घर पे देखने तक नहीं आया, आज कोई घर पे देखने नहीं आया, कोई पंचनामा करने नहीं आया। मैं बार बार बोलते रहा, सर मेरे घर की पोजिशन देखो, मेरे घर में किसके अंदर तोड़ फोड़ करी, मेरे दामाद को या बच्चों को लड़कों को किसका तर मारा, मेरी बच्ची एक बेहोस थी। हम पूरे रात उधर पुलिस स्टेशन में रहे, उसके बाद 3 बजे तक उधर बिठा के रखे, उसके बाद में बोलते हैं तुम जाओ। अब उसके बाद फिर हम बोले कि हम जाएंगे, लेकिन हमको वो चाहिए मेडिकल का, वो तो जब बड़ी मुश्किल से फिर मेडिकल का दिया, और फिर एक वो दी NC हमारे हाथ में लिख के। तो जब हम शिवाजी हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी गए तो वहाँ भी अगर हमारे पास किसी वजह से अगर पैसा नहीं होता, 1500-2000 रुपये हमारा वहाँ भी घुस गया, जरा जरा सी चीज़ का, कभी इधर दौड़ा उधर दौड़ा, रात भर हमारी परेशान। 7, 7:30, 8 बजे हम लोग वहाँ से निकले हॉस्पिटल से। मेडिकल के बाद सिर्फ NC दिया है। हाँ, बस NC दिया, कुछ नहीं दिया बाकी। उसके बाद मैं पूछा भी कि हाँ, सर क्या है, कौन सा केस बना, हमारे घर के अंदर इतना सब हुआ है, आपने जाके तक भी नहीं देखे, तो क्या बोलते हैं, ये हवलदार की 5,000 पगार है, वो हवलदार की 3,000 है, वो हवलदार की 7,000 पगार है, ये पैसे इनकी पगार भरो, उसके बाद में हम तुम्हारे घर पे जाते हैं। इस कदर तोड़ फोड़ करने के बाद, हमारे कोई करने के बाद, खून निकालने के बाद, बताने को तैयार नहीं, हमारे कपड़े फाड़ने के बाद, रोजों को बच्चों को टॉर्चर करने के, औरत के कपड़े नीचे से लेकर ऊपर तक फटे हुए हैं। मेरे बच्ची का देखो, जो 15 साल की मेरी लड़की, ऐसे छोड़ दिया, किस बिना पे छोड़ दिया, क्यों छोड़ा गया, आखिर कानून नाम की कोई चीज है क्या? नहीं, हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तान के नागरिक है। जब सर हम लोग ने 5 नाम आखिर हमारा गुनाह का नाम लिखाए थे, तो 5ों को अंदर डालना चाहिए था ना, किसी को भी अंदर नहीं डाले, सब 5 का नाम उधर हमने लिखवाए, वो पर्चे का हमारा पता नहीं, यार ये इधर 2 का नाम लिख के हमारे हाथ में थमा दिया गया। आप वो 5 नाम हमारे चैनल पे बताइए। हाँ, क्या कहे, मोहम्मद हारून, नाजिम, इस्तगार, और क्या कहे, मोनू, और ये फजल, इनके 5 नाम लिखवाए थे, मगर कोई भी नहीं था उधर। 2 नाम हमारे, 2 नाम सिर्फ लिख के दिए हैं सर। 8-11 बजे बोलते थे जाओ तुम कोर्ट में। और मैंने बोला ना साहब, मुझे 2 नाम क्यों लिख के दिए, ये तो 5 जनों ने मारा, तो पुलिस वाले बोलते कि 5 जन मारते तो ठोर मर जाता, खत्म हो जाता। पुलिस वाले ने डायरेक्ट ये बोला, और गाली देके हमारी बेइज्जती करके हमें बाहर बाहर भगा रहे, हकाल रहे, कोई ये नहीं कि हाँ इज्जत के साथ बिठा के कोई बातचीत कर। हमारे पास ऐसा होता है, आखिर हमारा गुनाह क्या था? हम गरीब आदमी है, रिक्वेस्ट सुनने आए सर, हमें इंसाफ चाहिए, जो आज हमारे साथ है और किसी के साथ भी हो सकता है सर। मुमरा के अंदर ये ऐसे कांड सर हमेशा होते रहते हैं, हमारा कोई ना गरीब आदमी है सर, कोई कानून सर, कानून भी हमारी मदद नहीं कर रहा, जो भी मंत्री है, नेता है, कमिश्नर है सर, मेरी प्लीज, मेरे को कोई सहारा नहीं है, मेरा गरीब आदमी है, चन्नी रोटी में हम खुश रहते हैं सर, जो आज हुआ कल भी हो सकता है, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए, हमें टाइगर चौकी में इंसाफ नहीं मिला, कोई पूछ नहीं रहा, गच नहीं रहा, कुछ नहीं, मेरी बच्ची इतनी डर गई है कि क्या कहें, मैं वो बोल नहीं पा रही है सर, मैं हमको तुम्हारा धन्यवाद करना चाहते हैं, हमें तुम इंसाफ दिला, अंसर से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमें इंसाफ चाहिए सर। जिस वक्त हमला हुआ आप घर में मौजूद नहीं थे, नहीं सर, तो जब आपको मालूम पड़ा तो आपने क्या किया और कहां से अपने परिवार की मदद की? हमने तो डायरेक्ट पहले 100 नंबर पर सर फोन लगा लिया, 100 नंबर पे फोन लगाने के बाद उन्होंने कोई अप्लाई नहीं दी, बोलते डाइगर पुलिस स्टेशन का हम आपको नंबर दे देते हैं। बहरहाल अगर इतना टाइम लाने देने में है, 100 नंबर का मतलब नज़दीक में किधर होंगे, तो तुरंत पहुंचना चाहिए, लेकिन कोई हमारे को नहीं पहुंचा। लास्ट में फिर मैं हम लोग को इधर जब आया, मैं जब कोई नहीं आया तो मैं आया तो देखा तो इसको मार छेद के जो है बुरी तरीके से, और मेरी बीवी बच्चे सब जो है परेशान थे, लड़की उड़की जितनी भी थी, दोनों तीनों जो भी थी, चारों सब रोड पे ही परेशान थी। इनको सबको मार छेद के इनको जो है दाबाद को हमारे मार के गाड़ी में डाल रहे थे। मुस्कान, क्या नाम तुम्हारा? मुस्कान। क्या हुआ?
वो लोग जैसे ही घर में आए वैसे मारपीट करने लगे और बदतमीजी कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे। मेरे को भी अंदर लेके गए, मेरे साथ भी बदतमीजी कर रहे थे, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे। मेरी मम्मी आए मेरे को बचाने, मेरी मम्मी को भी गिरा दिए थे, धक्का दे दिए थे। तुम्हारा कपड़ा फाड़ दिया था उन लोगों? मेरी मम्मी का भी कपड़ा फाड़ दिया। अच्छा, उन लोगों का नाम जानती हो? नहीं। पहचान जाओगी अगर सामने आएंगे? हाँ। बोल बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं भी अपनी बहन को बचाने गई और मम्मी को भी बचाने गई, वो लोग भी मार रहे थे मेरी मम्मी को। कौन सी बहन को बचाने गई? ये मेरी बहन जो छोटी है, तो उसको, क्या हो, क्या उसको, उसके साथ भी गलत हरकत कर रहे थे तो मैं बचाने के लिए गई थी उसको। मेरी मम्मी भी गए थे तो आपके घर में कितने लोग मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे आपके घर में? नहीं, उस टाइम जेंट्स मौजूद थे लेकिन दूसरे लोग थे। वो लोग हमारे घर में से, हमारे पापा नहीं थे घर में उस टाइम, मौजूद नहीं थे, हम खाली चार लेडीज थी घर में। हाँ, और एक जीजू थे मेरे। क्या वो लोग बताते हैं कि नशे में थे, ऐसी कोई बात, ये बात सही है क्या? वो लोग नशे में थे? वो लोग शराब पी के आए थे। कैसे पता शराब पिए थे? उनके मुँह से बास आ रही थी, बदबू आ रही थी। जिसने तुम्हारे साथ गलत हरकत किया, छेड़छाड़ किया, तुमको उठा करके ले जाके कमरे में पटका, तुम्हारा कपड़ा फाड़ दिया, तो क्या वो लोग भी नशे में थे? हाँ। ये बात तुम सही कह रही हो? हाँ। गलत तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? मेरा नाम सलमा अयूब अंसारी है एंड ये मेरे हस्बैंड है। हम लोग दोनों पुलिस स्टेशन के काम से यहाँ पे आए थे, तो हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे साइन करने के लिए। हम लोग की 2 साल पहले मैटर हुआ था, तो उसके लिए हम लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने, मतलब साइन करने गए थे कि हम लोग अभी सेफ है। किस मामले में साइन करने आए थे? हम दोनों ने भाग के शादी करी थी 2 साल पहले, तो इधर जो है ना इनके माँ बाप ने NC डाली थी इधर टाइगर पुलिस स्टेशन में, तो इधर से हमारे पास कॉल आया था कि आप 2 साल से लापता हो, जिंदे भी हो या क्या हो, आप यहाँ आके सिर्फ NC साइन करके चले जाए, बाकी कुछ नहीं है। तो हम वहाँ से आए, तो अब तो इधर जो है ना इनके माँ बाप ने NC डाली थी इधर टाइगर पुलिस स्टेशन में, तो इधर से हमारे पास कॉल आया था कि आप 2 साल से लापता हो, जिंदे भी हो या क्या हो, आप यहाँ आके सिर्फ NC साइन करके चले जाए, बाकी कुछ नहीं है। तो हम वहाँ से आए तो अब्बू घर पे नहीं थे, हम अब्बू का फ़ोन लगा रहे थे, तो अब्बू का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो हम 11 बजे का टाइम था, तो हम चौकी से आए इधर घर पे, तो हमें नीचे आते हुए ना एक मोनू नाम के लड़के ने हमें देख लिया, वो मेरे भाइयों के कॉन्टेक्ट में है। तो हम जैसे ऊपर आए उसके बाद 10 मिनट के बाद वो लोग सब लोग घर के अंदर आ गए, हाथों के साथ हमें मारना पीटना चालू कर दिया। ये आप देख सकते हो हमें कितना मारा, मेरे इधर भी फाड़ा है, इधर भी फाड़ा, और मेरी फसली में भी शायद मतलब फ्रैक्चर है। हाँ, फ्रैक्चर भी है सर। पुलिस स्टेशन में जब आप गए ढाई घर में, तो पुलिस ने क्या किया, उन लोगों को अरेस्ट किया या तुमको हॉस्पिटल भेजा? हॉस्पिटल भी नहीं भेजा, पहले मेरी कंप्लेन लिखी मैंने 5 जनों का, जिनके मुझे नाम याद थे, जिनको मैं पहचानता था, मैंने उनके 5 जनों के नाम लिखवा दिए उनको, पुलिस वालों को, तो मैं लिखवा दिए 5 जनों के नाम। तो फिर उसके बाद में मैंने उसके लिए मेडिकल के लिए वो करवाई, तो मेडिकल के लिए हम गए, ना तो कोई मेरे साथ पुलिस वाला गया। कुछ बता ही नहीं रहे थे साहब डॉक्टर, हमें कुछ बता ही नहीं रहे थे वो लोग, डॉक्टर भी हमें कभी इधर दौड़ा रहे, कभी ऐसा लगता है पुलिस स्टेशन वालों को पैसे खिला दिया, पुलिस वालों ने उधर फोन कर दिया, हमें दौड़े रहे, हमें दौड़े रहे, कभी इधर से इधर जाओ, कभी इधर सर ये पट्टी करने के लिए भी उन्होंने मुझसे 60 रुपए लिए, सरकारी हॉस्पिटल है 60 रुपए किस बात के लिए, इसके अलग ले 2,2500 रुपए मेरे खर्च हो गए। पुलिस वाला भी मेरे साथ कोई नहीं गया, किसी लिए भी नहीं गया, कोई नहीं गए, मैं खुद ऑटो करके गए, हम 2-3 जने खुद वहाँ पहुँचे, खुद हम परेशान हो रहे हैं, पुलिस वालों से पूछ भी रहे तो तुमने क्या क्या लिख के दिए, क्या दिए, कुछ नहीं पूछे, उल्टा गाली दे के हमें भगा रहे। बात आ रही है कि ये लोग जो अंदर घुसे थे और तुम्हारे सास को मारा, तुम्हारी सालियों को मारा, यहाँ तक कि तुम्हारी जो नाबालिग साली है, मुस्कान नाम है उसका, उसको भी जो है मतलब ऐसा जो है, तो तुम जानते हो किसने छेड़छाड़ किया, उसके साथ गलत हरकत किया? तो नहीं सर, ऐसे मैं उनको नाम से तो नहीं जानता हूँ, फिर चेहरे से देखूंगा तो, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे लोग थे, वो लोग मुझे ही ज्यादा मार रहे थे और ये लोग मेरे बचाने में आ रहे थे, तो इन लोगों को भी मार रहे, मुझे तो खुद ही होश नहीं था साहब, मुझे तो इतना मारा मेरे सर पे इतना, आप देख सकते हो खून पूरी खिड़की में खून खून हो रहा है, पूरी खिड़की में खून खून हो रहा है साहब, मुझे इतना मारा, मुझे तो खुद ही नहीं आ रहा था, दरवाजा तोड़ के मुझे नीचे लेके गए गाड़ी में डालने के लिए। मैं हाँ, मेरे भाइयों ने मारा मुझे, मेरे बड़े भाइयों ने मारा मुझे, मेरे बड़े भाइयों ने मुझे गाड़ी में डाल के लेके जा रहे थे, बोल रहे थे आज तो जिंदे ही खत्म करेंगे हम या जिंदे ही गाड़ेंगे, वो तो अच्छा हुआ मेरे ससुर जी आ गए गाड़ी के आगे लेट गए, उन्होंने बचा लिया, फिर ऊपर से ये साथ मेरी पुलिस वाले को लुवा ली थी, तो हम पुलिस स्टेशन गए, मगर उन्होंने यहाँ जम के 1-1.5 घंटा हंगामा किया, उन्होंने हमें मारा भी, सबों को मारा, पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस में हमारी किसी ने कोई सुनी नहीं, उल्टा गाली दे दे के हमें भगा रहे। हाँ,
आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सर हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। शुक्रिया मैम, आप हमारी रिक्वेस्ट सुनने आए सर, हमें इंसाफ चाहिए जो आज हमारे साथ है और किसी के साथ भी हो सकता है।